की राइट साइड ब्रेस्ट के ऊपर गांठ हुई थी जो काफी बड़ी हो गई थी। बचपन से इन्हें राइट कान से सुनाई नहीं देता था। 8 सालों से पासरी बहन को शुगर डायबिटीज थी और 500 प्लस शुगर रहती थी। ये बता रहे हैं कि 3 महीने पहले अचानक से इनके पेट में दर्द शुरू हुआ और इनको बाथरूम जो था वो रुक रुक के आने लगा और 1 महीने तक इन्होंने दवाइयाँ खाई। उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि हमें तो प्रॉब्लम समझ नहीं आ रही, आप एक बार अल्ट्रासाउंड करवाओ। जब इन्होंने अल्ट्रासाउंड करवाया तो रिपोर्ट में पास्टर जी दोनों किडनियों में 3 पत्थरियाँ आई। पास्टर जी अद्भुत गवाही, बहन बता रही है कि कुछ दिन पहले इसकी राइट साइड ब्रेस्ट के ऊपर गांठ हुई थी जो काफी बड़ी हो गई थी और उस गांठ में दर्द हो रहा था और बहन को कपड़ा भी चुभ रहा था। अच्छा। ये बता रहे हैं कि उन्होंने चर्च के प्रेयर टावर नंबर पर थर्सडे को कॉल करवाई और वो ब्रेस्ट की गांठ खुद ब खुद फूट गई और वो बिल्कुल ठीक हो गई। छाती में गांठ थी, आपने प्रेयर कराई और वो गांठ फूट गई और पूरी तरह से निकल गया। आप आजाद है अभी, धन्यवाद करो प्रभु का। पास्टर जी बहन पंचकुला से बता रहे हैं कि बचपन से इन्हें राइट कान से सुनाई नहीं देता था। बहुत इलाज इनका करवाया इनकी मम्मी ने, बहुत दवाइयां डलवाई लेकिन कान से सुनना नहीं इनको शुरू हुआ। हाँ। और बता रहे आज एकदम से जब आप प्रार्थना कर रहे थे तो कानों में से धुआं निकलने लगा और पेट से कड़वा पर निकलते हुए मुंह से उल्टी हुई इनको। हाँ। और इनको लगा कुछ अंदर से निकला, एकदम से इन्हें सुनाई देने लगा। से नहीं सुनता बचपन से, ये 30 साल की है, 30 साल की और बचपन से नहीं सुनता, बचपन से नहीं सुनाई। और मम्मी ने बहुत इलाज कराया, बहुत इलाज कराया। आज ऐसा लगा मुझे, मैं प्रार्थना कर रही थी, मुझे ऐसा लगा मेरे मुंह से कुछ कड़वा, मेरे कानों से इतना दर्द निकला, मुझे ऐसा लगा कुछ निकल गया मेरे। हाँ। इन्हें उल्टी हुई, उल्टी हुई, उल्टी भी हुई। हाँ, जो मुझे बहुत कड़वा हुआ। और अभी क्या, अभी सुनना शुरू हो गया? कौन सा कान से नहीं सुनता? दोनों इसमें बेहतर भी है, इसको सुनाई नहीं देता। अच्छा, इसे नहीं सुनता था। ये बंद करो जोर से, जोर से, तुम भी हाथ रख लो, एक अच्छी तरह बंद कर दो, ऐसे कर उंगली जा है बस मुल्ला से चालू। हालेलुया, हालेलुया। 8 सालों से पासरी बहन को शुगर डायबिटीज थी और 500 प्लस शुगर रहती थी। बहुत सारी दवाइयां खाई पासरी पर कोई फर्क नहीं पड़ा। पिछले संडे जब ये प्रार्थना में आए, इन्होंने अनुभव करा कि कुछ निकल के गया है। और पासरी उसके बाद जब इन्होंने रिपोर्ट कराई, जो शुगर 500 के पार थी वो 160 और 170 पूरी तरह नॉर्मल आ चुकी थी। हालेलुया। 8 सालों से 500 से ऊपर शुगर रहती थी। हां जी। और दवाई चल रही थी आपकी? दवाई चल रही थी। और जब आप आए, प्रार्थना हुई, तो आपके मन में क्या आया कि मैं चेक कराऊं? कुछ निकला आपको महसूस हुआ? हां जी। तो आपने सोचा मैं रिपोर्ट कराती हूं? हां जी। और देखती हूं वो शुगर निकली कि नहीं? हां जी। फिर आपने रिपोर्ट कराई? हां जी। और रिपोर्ट में क्या आया? रिपोर्ट में नॉर्मल आया, बिल्कुल नॉर्मल आया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 10 साल से पासरी धुंधला भी दिखाई देता था इन्हें, और पासरी दूर का भी और पास का भी, बट ये बता रहे दूर खड़े व्यक्ति को देख नहीं पाते थे ठीक से, आंखों से भी इन्हें पूरा साफ दिखना शुरू हो गया। दूर से दिखता नहीं था? नहीं, अब तो दिखते हैं। अभी दिखते पहले हैं? दिखते नहीं थे कुछ भी, अभी सब दिखता है। हां जी। हालेलुया, तारीफ करो। पास्टर जी बहन का नाम पूजा है। ये बता रहे हैं कि 3 महीने पहले अचानक से इनके पेट में दर्द शुरू हुआ और इनको बाथरूम जो था वो रुक रुक के आने लगा और 1 महीने तक इन्होंने दवाइयां खाई। उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि हमें तो प्रॉब्लम समझ नहीं आ रही, आप एक बार अल्ट्रासाउंड करवाओ। जब इन्होंने अल्ट्रासाउंड करवाया तो रिपोर्ट में पास्टर जी दोनों किडनियों में 3 पत्थरियां आई, राइट किडनी में 2 और लेफ्ट किडनी में 1, जो कि 6.9 mm, 6.2 mm एंड 5.3 mm। ये बता रहे हैं कि उसके बाद ये चर्च में आए, इन्होंने पास्टर आशीष जी से ले हैंड प्रार्थना करवाई और उसके बाद फिर से दोबारा से चेकअप करवाया, वो तीनों पत्थरियां दोनों किडनियों से पूरी रीति से गायब हो गई। हालेलुया। जैसे ही प्रार्थना कराई पत्थरियां गायब, रिपोर्ट के साथ आए, विश्वास नहीं आ रहा था, डॉक्टर को बार बार पूछ रही थी सचमुच चली गई है। डॉक्टर को विश्वास नहीं आ रहा था। हाँ जी। ते कितने दिन बाद प्रेयर, तो कितने दिन बाद कराया? 10-15 दिन बाद कराया था, फिर बिल्कुल पत्थरियां जा चुकी थी। और डॉक्टर हैरान, कहता की खाया कितना हो गया? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। दवाई देती अपनी? हाँ जी हाँ जी। मैंने कहा कि मैंने प्रार्थना कराई थी, डॉक्टर साहब कहते हैं अब आपने कोई दवाई नहीं खानी, आप बिल्कुल फ्री हो। हालेलुया, हालेलुया, तारीफ हो परमेश्वर।